पार्टी की आन बान और शान सम्राट चौधरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, पटना साहिब के सांसद पूर्व मंत्री और ओजस्वी वक्ता माननीय रविशंकर प्रसाद जी, हम सब के अभिभावक माननीय नागेन जी, हमारे भाई चार बार के विधायक छत्तीसगढ़ के यशस्वी प्रभारी नितिन नवीन जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र जी एवं इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्तागण हैं, भाइयों और बहनों, आप सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर नमस्कार है। आज हम अटल जी की जयंती के कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता के दृष्टि से कई बार मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम वो पीढ़ी हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य पाया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ देश रत्न, न सिर्फ भारत के तीन बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तित्व थे, अटल जी एक विचारक थे, अटल जी एक ऐसा शख्सियत थे जिनके जाने के सालों बाद आज भी और आने वाले दशकों तक उनकी सोच, उनके विचार, पार्टी देश के प्रति उनका समर्पण, उनकी सुचिता और सादगी भरा जीवन हम सबको मार्गदर्शन देने का काम करता रहेगा। मित्रों, मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं कि इस मंच पे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ बैठे हैं जिनको बोलना है, और ये ऐसे लोग हैं माननीय रविशंकर प्रसाद जी जैसे लोग जिन्होंने बहुत करीबी से माननीय अटल जी को देखा है, उनके साथ काम करने का अनुभव जिनको मिला और ये सौभाग्य रहा। इसलिए मैं ज्यादा तो इस पे नहीं कुछ कहूंगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के दृष्टि से, एक युवा के दृष्टि से, अटल जी के जीवन पे, उनके जीवन यात्रा को स्टडी करके जो दो तीन बातें मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती हैं, वो आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। अटल जी की जीवन यात्रा ऐसी रही है कि उसकी व्याख्या करने जाए, उस पर परिचर्चा करने जाए तो घंटों, क्या दिन, सप्ताह लग जाएगा। ऐसे ऐसे संस्मरण लोगों के पास है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता की दृष्टि से, एक राजनीति के अध्येता के दृष्टि से, मुझे जो दो चार बातें अटल जी के विषय में सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, उसमें सर्वप्रथम मुझे लगता है अटल जी का हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और समर्पण। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1977 में संयुक्त संघ, यूनाइटेड नेशन की अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में अगर पहली बार किसी राजनेता ने हिंदी भाषा में पूरा भाषण दिया तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी का मानना था कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए पर हिंदी हमारी पहचान है, इस पहचान का बड़ा इतिहास है और इस पहचान पे हमको गर्व भी होना चाहिए और इस हिंदी भाषा को हमको अंतरराष्ट्रीय पटल पे ले जाने का काम भी करना चाहिए। आज ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में हिंदी और तमिल की चर्चा ज्यादा हो रही है, लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं इस देश में। तो अटल जी की यह बात बहुत तात्कालिक भी है कि हिंदी वो भाषा है जो इस देश को जोड़ती है, एक करती है, और अटल जी ने यह बात हमको समझाई है, हमको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने पहले अवतार में जनसंघ के नाम से समाज के बीच में आई,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल जी का कालखंड रहा 1952 से लेके 68 तक। बहुत कम लोग इस बात को ध्यान दिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का असमय मृत्यु हुआ तो पार्टी की बागडोर को एक युवा व्यक्ति ने संभाला और उस संगठन का भार अपने कंधों पे लिया और उस कंधों को पे लेकर 1968 में आगे बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो सब चर्चा करते हैं, पर अटल बिहारी वाजपेयी जो संगठक जिन्होंने 1968 में प्रथम बार जनसंघ की अध्यक्षता ली, पार्टी को 70 के दशक में इंदिरा गांधी जैसे प्रचंड नेतृत्व का सामना करते हुए अटल जी उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और जब जनता पार्टी के अंदर यह मतभेद आया कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता, जनसंघ के उस समय के कार्यकर्ता, उनसे पूछा गया जनता पार्टी में, यह बात भी ध्यान से समझिए, जब जनता पार्टी के लोगों ने पूछा कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, अगर आपको जनता पार्टी में रहना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता छोड़नी होगी, जब यह बात जनता पार्टी के लोगों ने कही तो जनता पार्टी से बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने का, एक नए अवतार में स्थापित करने का काम एक संगठक अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। यह भी हमको याद रखना होगा कि अटल जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने संघ विचारधारा को छोड़ने और जनता पार्टी से बाहर निकलने की जब बात आई, सरकार से बाहर निकलने की बात आई, तो अटल जी ने विचारधारा को चुना, संगठन को चुना, यह अटल जी ने हमको सिखाया। और तीसरी बात, अटल जी जब सरकार में आए तो अटल जी ने पहली बार सरकार के परफॉर्मेंस का मापदंड क्या बने, सरकार के काम करने की जो पद्धति है उसका मापदंड क्या बने, उसकी चर्चा की और उन्होंने अंत्योदय के विचार को, दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार को सरकार के पॉलिसी मेकिंग की मुख्य धारा में लाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के बीच में काम करेगी। आप ध्यान रखिए कि आज चौड़ी चौड़ी सड़क जो हमारे देश में बनी हुई है, सर्वप्रथम गांव को जिला केंद्र से जोड़ने के लिए, कस्बे को कस्बे से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर किसी ने कल्पना की तो अटल जी ने की। अगर किसानों की भलाई के लिए नदियों को जोड़ने का काम किसी ने सोचा तो अटल जी ने सोचा। अगर पूरे देश में हाईवे का जाल बिछाने की बात किसी ने सोची तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से पूरे देश में हाईवे बने, ये काम अटल जी। उस समय मोबाइल फोन क्रांति जो आई, आज जिस मोबाइल फोन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, ये मोबाइल फोन की क्रांति की नींव भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कालखंड में आज से 20 साल पहले रखी, तब जाके देश आगे बढ़ने के पोजीशन में आ पाया। ऐसे दूरदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में चर्चा करें तो घंटों लग जाएंगे। मुझसे काफी सीनियर और अनुभवी लोग यहां पे मंच पे अपनी बातों को साझा करने के लिए बैठे हैं, इसका ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार अटल जी के जीवन यात्रा को जरूर स्टडी करें और एक कार्यकर्ता भाव से, आपको उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, उससे बहुत सीखने को मिलेगा जो आगे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सुनिश्चित करने वाला है। इसलिए जरूर उस पे जरूर ध्यान दिया जाए। एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। धन्यवाद।